आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे वो व्यक्तित्व जिनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ राजनीति सीखी है, उनके संघर्ष को देखा है, उनका संघर्ष और बलिदान समर्पण उसका अनुकरण करने का प्रयास किया है, ऐसे हरस्वरूप जी हम सबकी बहन और समाज की शान, जिनको मैं आज आपके सामने बता रहा हूं, उनसे कभी अकेले बात भी हुई है। अगर ये सीट बीसी महिला रिजर्व होती मेयर की तो इन्हीं को टिकट दिलवाने के लिए हर चंद कोशिश करता, बाकी तो इसमें क्या होता। लेकिन दुर्भाग्य इनका या सौभाग्य उनका जिनके लिए हो गई ऐसी। रश्मि जी मतलब इनका कद पार्टी में इतना बड़ा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी का आगरे का नेतृत्व भी इनके लिए तैयार है कि मेयर स्तर की है आपके समाज की। ओम प्रकाश जी, राजू जी, मनोहरी भाई साहब सभी हमारे श्रद्धेय है यहाँ पर। आज उस समाज के बीच में बैठा हूं जहां का स्नेह मुझ पर बरसा है, मिला नहीं है बरसा है। और जिस समाज ने के बीच जब मैं आया तो शायद तभी मेरा मुकद्दर खुला, इससे पहले वहां रहता था। आप लोगों के बीच आया, साथ काम किया तो टिकट भी मिली और आप लोगों ने जिताया भी तीन तीन बार, और आपकी दुआओं से आशीर्वाद से एक जिम्मेदारी मिली है प्रदेश मंत्री परिषद में कि कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया, तो ये सब एहसान आप लोगों का मुझ पर है और आप लोग मेरे लिए भाग्यशाली हैं, ये मैं महसूस करता हूं अपने मन में। कुछ बिंदु पर प्रकाश डाला भाई मनोहर जी ने और नवल अपने कान्याल सिंह जी, इन्हीं के बिंदुओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और फिर एक बिंदु फैलाऊंगा कि यहां पर हम क्यों उठते हैं। पहला बिंदु तो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर आया दोनों के वक्तव्यों में, उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, और दूसरी तरफ मेरा नेता मोदी लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर विदेशों से भारत माता की जय बुलवा लेता है। यह तो देश में कौन सी राजनीति चलेगी यह तय करने के लिए आप सब लोगों को वोट देना होता है, और कम से कम ये आप सब लोग तो हिंदुत्व की पताका लेकर कब से चल रहे हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, घेरा था उनको इसी चौराहे पर, जो हिम्मत नहीं कर सकता था सब मुलायम सिंह से के खिलाफ मुर्दाबाद कहने की, धाकड़ा चौराहे पे धाकर समाज ने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, मुकदमे आज भी चल रहे हैं उन लोगों। तो उस समाज के बीच में हम खड़े हैं भैया, जो हिंदुत्व की पताका भगवा पताका को लेकर जैसा अभी बता रहे थे इतने प्रकाश जी, तो उस समाज को मैं समझाऊं, वो मैंने खुद समझा है उससे, खुद सीखा है उस समाज से। तो मित्रों योगी जी का अभी दिनेश जी को कहा हुई थी आपकी वो जो सोने चांदी की ये दिया है, आप जैसे व्यापारी को ये दिया है, ये सुरक्षा का वातावरण दिया है, जो माफिया गुंडे बदमाशों का जनता में खौफ था आज वो खौफ में है, ये दिया है लोगों। तो मित्रों मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी विलंब से आया क्योंकि और जगह दिन भर कार्यक्रम चल रहे हैं, सिर्फ यहां की परिस्थितियों के बारे में बताऊं। एक तो वार्ड नंबर 76 इनसे वादा ले लिया मैंने, ये आखिरी चुनाव है।
त्रिपुरे आ गया। यदि इससे कोई के आगरे के बेस्ट पार्षद का नाम बताओ तो आपके समाज को गर्व से सिर उठा के चलना चाहिए कि आपके समाज का उपकार ढाकड़ है बेस्ट पार्षद। इन्होंने आपके समाज को कहीं कलंकित नहीं होने दिया, कहीं लज्जित होने नहीं दिया, कहीं अपमानित होने नहीं दिया। वो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसा आदर्श पार्षद कैसा होना चाहिए। उसी का परिणाम है कि इनको टिकट मिलती रही और अब जब 75 साल बाद हमें भी टिकट नहीं मिलेगी तो फिर इनको कैसे मिलेगी। तो नए खून आना चाहिए अब आगे। लेकिन ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो समाज को भी गर्व करना चाहिए, हमारी पार्टी को भी गर्व है। इस बार ऐसा कार्यकर्ता आपके समाज ने हमको दिया है जिससे हमारी हमारी पार्टी भी संपन्न हुई है, समृद्ध हुई है। और दूसरी बात, टक्कर किससे? बसपा से है। आप बिल्कुल मुगालते मत रहिए। 800 वोट का पैकेज उसके पास है और 1000 वोट का पैकेज इनके पास है कॉलोनी का, जो भाजपा का मतलब भाजपा के वोटों का, कॉलोनी से मतलब भाजपा के। और 807 पैकेज उसके पास, वो 800 से गिनती शुरू कर रहा है या 1000 से गिनती शुरू कर रहा है? और अपने को जब आपका प्रत्याशी आपके समाज का नाम रोशन कर रहा है तो उसी तरफ वोट देना चाहिए। बाकी सब अपने हैं, मैं किसी को पराया नहीं मानता। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने समाज के सब अपने अपने हिसाब से चलाता है, वो दृश्य भी आपने देखा होगा। जब ट्रंप का एक कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, अगर आप सब ध्यान करिए थोड़ा सा, और मंच से उतरे थे दोनों नेता, ट्रंप भी उतरा था और माननीय मोदी जी भी उतरे थे। ट्रंप उतर जा रहा था, मोदी ने हाथ पर रखकर अपनी तरफ ले आए थे, अमेरिका को हिंदुस्तान खींच रहा था, ऐसा लग रहा था। ये कोई कर नहीं सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और अपने उसको हाथ पकड़ के अपने हिसाब से चलाना, ये मेरा नेता मोदी कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता। ये है आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वरूप जब उसे एक अवसर मिला। दूसरा दृश्य आपको समझाऊं, आप सबने देखे हो कि जब ओबामा हिंदुस्तान आए थे, रिसीव करने मोदी जी गए थे, कंधे पर भगवा शॉल था, ध्यान रखने के लिए वो ऐसे ही नहीं था, वो इसलिए था, आज भगवा तुमको रिसीव कर रहा है, जिसको तुमने मना कर दिया था घुसने नहीं दूंगा, आज तुम उसके पास आ रहे हो, इसको सलाम कर दो। और दूसरा दृश्य कल्पना कीजिए कि अपने से कहीं बड़ा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है। मैं अपने आप कल्पना कर रहा था उस समय कि यदि अमित शाह मुझको जो करके करे तो मैं थोड़ा सा सटपटा जाऊंगा, मेरा एक्शन एकदम ऐसा हो जाएगा कि खड़े हुए। जब ओबामा ने उनको गले लगाया तो उन्होंने पीठ पर ठप 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 3 बार मोदी ने मारा, देखा होगा आप सब, लगा कि हिंदुस्तान धमका रहा है, अपनी धमक बता रहा है अमेरिका। तो ये नेता दिया है हमारी पार्टी। योगी जी का आप जानते ही है, और एक उदाहरण मैंने कई बार दिया है मोदी जी का कि कैसा मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया देशवासियों का, हम सबका। अभी